हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डीटी प्लस के द्वारा नई रिजल्ट क्लियर कर दी गई है, यानी थोड़ी देर पहले 23/1/2020, अभी थोड़ी देर पहले डीएसएसबी ने दो रिजल्ट क्लियर किए हैं। तो आइए देखते हैं कौन से दो रिजल्ट आए हुए हैं। तो पहला रिजल्ट आपके सामने है, उसके पहले मैं कहूंगा चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कोई रिजल्ट आती है, नई इन्फॉर्मेशन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले आपके सामने लेकर आते रहते हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए जो रिजल्ट आई उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है, सबसे पहला वेलफेयर ऑफिसर का आया हुआ है 14/19। 2019 में नई वैकेंसी आई हुई थी वेलफेयर ऑफिसर की, उसमें था 110 पोस्ट। यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे पेपर देने के लिए गए थे, जो 24 नवम्बर को पेपर हुआ था, और यहाँ बताया जा रहा है 1759 बच्चे के आसपास एग्जामिनेशन देने के लिए गए थे, और उनका मार्क्स को डीएसएसबी के द्वारा डाल दिया गया है। अपना मार्क्स को चेक कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ बताया गया है कि जो कट ऑफ बना हुआ है 298 नंबर में से बना गया है, 200 से नहीं है। लिखा हुआ आउट ऑफ 298 नंबर में से जो कट ऑफ आया आपके सामने है, 132.75 गया है यूआर का, ओबीसी का गया 104.75, एससी का गया है 117.5, एसटी का गया है 90.25, हैंडीकैप ने गया है 90, और वीएच में हैंडीकैप ने गया 107 नंबर। तो ये इसका ये बताया गया है कि ये रिजल्ट आया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट जो आया हुआ है। यहाँ बताया है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, 28 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आपके पास टाइम है, उसके बाद डेट बंद हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिए इस बीच में। अब दूसरा नेक्स्ट रिजल्ट चेक कर लेते हैं। जो नेक्स्ट रिजल्ट आया है यहाँ पर आया हुआ है 23/1/2020, यानी आज के ही दिन में दूसरा रिजल्ट आया मेडिकल सोशल ऑफिसर का। मेडिकल सोशल वर्कर में रिजल्ट आया हुआ है 18/14 का, 4 पोस्ट था, यूआर का था 2, ओबीसी का 1, एसटी का 1 था। यहाँ बताया जो कट ऑफ गया है वहाँ ओबीसी में कोई बच्चे पास नहीं कर पाए हैं, यूआर में गया 84.25 जो बहुत कम गया है, एससी में गया 75.5, हैंडीकैप में कोई बच्चे पास नहीं कर पाए हैं। और वेटिंग लिस्ट बताया गया है कि बताया गया 22/1/2020 मतलब 2021 तक वैलिड है, मतलब एक साल आपको और टाइम मिल रहा है, इसके बीच में और भी रिजल्ट आ सकते हैं। यहाँ बताने का मतलब कहने का मतलब ये है इनका, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तब इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों का या आपके आसपास के बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो एग्जामिनेशन देते हैं, उनको पता नहीं चलता उनका रिजल्ट आता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए।